तोशाखाना केस काबिले समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुतालका दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जज को मुतअस्सिब करार देकर केस मुंतकिल करने की इस्तदा की है। मजीद क्या इस्तदा की है जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान बताइएगा। जी दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से ये मामला भी उठाया गया था कि ट्रायल कोर्ट के जज की जानिब से फेसबुक पर नामुनासिब पोस्टें की गई हैं, तो अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में इस बात को भी हिस्सा बनाया है और लिखा है कि ट्रायल कोर्ट के जज से मंसूब फेसबुक पोस्टें अदालत को दिखाई गई हैं और बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने फेसबुक पोस्टों को तस्लीम करने से इनकार किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस फेसबुक पोस्टों का मामला एफआईए साइबर क्राइम विंग को भेजे और आइंदा तारीख समाअत से पहले एफआईए इस मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी मामले पर अदालती मुआवनत का हुक्म दिया है और अदालत की जानिब से ये लिखा गया है कि दरखास्त गुजार के वकील के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे।